ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, तो कृपया ऐसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कुछ डीमंस एक हिस्टोरिक जगह पर अटैक कर रहे होते हैं और वो लोग लोगों को मार रहे होते हैं और उस टाउन में बचे लोग छिपे होते हैं। तभी आसमान एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और वो बंदा एक एग्जोसिस्ट होता है और वो एग्जोसिस्ट कहता है, जब मैं एक बच्चा था तब से मैं पावर चाहता था और मैं सोचता था कि मेरे पास पावर रहेगी तो मैं कुछ खोऊंगा नहीं और हमेशा खुश रहूंगा। और वो एग्जोसिस्ट कुछ टेलिस्मेंट उन डीमंस के ऊपर पटक देता है जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं और वो पूरे डीमंस मारे जाते हैं और वो एरिया तबाह हो जाता है। तो वो बंदा कहता है, मुझे जो पावर चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, अब मैं पावरफुल आयकासी मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ अपने सर्वेंट के रूप में और मैं अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वो बंदा जमीन पर बैठा होता है और मरने ही वाला होता है और उसका पूरा घर भी जल रहा होता है। तो वो बंदा कहता है, तो ये है हिस्टोरियस स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोसिस्ट का अंत और मेरे स्टूडेंट्स को हॉस्टेजेस बना लिया गया क्योंकि मैं एम्पेरियल कोर्ट के विरोध में था और ये सब कुछ मेरी ज्यादा पावर के लालच में हुआ और मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। ये कहकर वो बंदा अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक लड़की रो रही होती है। तो वो बंदा उस लड़की से कहता है, ये इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब गलती कोर्ट की है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। और इसके बाद वो बंदा एक टेलिस्मेंट यूज करता है और उसके पीछे एक फॉर्मेशन बन जाता है और वो बंदा कहता है, अगली बार मैं अच्छा करूंगा और इस बार में फेल हुआ लेकिन मैं एक बार फिर से शुरुआत करूंगा। और ये कह के वो बंदा मर जाता है। फिर अगली लाइफ में वो बंदा रिकार्नेट हो जाता है और हम देखते हैं उसके फादर उसका मैजिक चेक कर रहे होते हैं तो फॉर्मेशन ग्लो होने लगता है और हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है और सेका का भाई उसे चढ़ाने लगता है। उसके बाद सेका हमें बताता है इस वर्ल्ड में ह्यूमन के साथ डीमंस भी और मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और ये लैम्ब्रोज क्लैन का घर है जो मेज का इम्पोर्टेंट क्लैन है और मैं ब्लेज लैम्ब्रोज के थर्ड सन सेका लैम्ब्रोज के रूप में रीबॉर्न हुआ हूँ और मैंने सुना कि मेरी मदर एक मिस्ट्रेस थी और वो भी बिना किसी मैजिक के और मेरी इस बॉडी में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है लेकिन मेरे पास मेरी कर्ज एनर्जी तो है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सेका कहता है कि पेपर महंगे आते हैं इसीलिए मैं पत्तियों से काम चला लूंगा। ये कहने के बाद सेका एक मंत्र पढ़ता है और वो पत्तियां ग्लो होने लगती हैं और उड़ने लगती हैं। तो सेका उन पत्तियों में से कुछ को चूहों में बदल देता है और कुछ को कौओं में बदल देता है। तभी गिलाय वहां आ जाता है और सेका को परेशान करने लगता है और गिलाय सेका की कॉलर पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारने वाला होता है। तभी सेका के दो कौए गिलाय पर अटैक करने लगते हैं तो तभी वहां पर रफ्ट आ जाता है और गिलाय से कौओं को दूर भगा देता है और रफ्ट गिलाय से कहता है, तुम्हें लगी तो नहीं? तो गिलाय कहता है, मुझे लग गई है। और रफ्ट वहां से गिलाय को ले जाता है। उन दोनों के जाने के बाद सेका कहता है, चलो मैंने कम से कम अपनी सिकिगामी को तो यूज किया और इससे इस वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और आसान हो जाएगा। और सेका बताता है, अब वो 7 साल का हो चुका है लेकिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है और शायद इसीलिए क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस की चाइल्ड है और ज्यादातर लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन इसके बाद उसने बहुत कुछ सीखा है कि ये कंट्री बहुत बड़ी है और ये कुछ मायने में मेरे पुराने वर्ल्ड लैंड ऑफ यूरोप जैसा है लेकिन यहाँ का सिविलाइजेशन और एडवांस है और ये कंट्री पीसफुल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेका पेपर को काट के टेलिस्मेंट बना रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद सेका का डोर नॉक होता है तो सेका देखता है कि ईफा आई है। तो ईफा सेका को उसका जैकेट देती और बताती है ये झाड़ियों में डली थी। तो सेका कहता है, ये पक्का ग्लाय ने किया होगा और सेका ईफा को जैकेट के लिए थैंक्स कहता है। तभी वहां पर ग्लाय आ जाता और ईफा से कहता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। तो ईफा उसको सॉरी कहती है। तो ग्लाय सेका से कहता है, तुम फिर से बाहर ग्रास में खेल रहे थे और तुम्हारी लाइफ आसान है क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक जो नहीं है और उसके साथ तुम्हें स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं मैजिक अकेडमी जा रहा हूँ तो मैं बिजी हूँ और उसके साथ मैं इम्पीरियल लॉर्डिना मैजिक अकेडमी भी जा रहा हूँ और ये एक फेमस स्कूल है जिसने बहुत सारे मेज्स बनाए हैं। तो सेका कहता है, लॉर्डिना मैजिक अकेडमी? तो ग्लाय सेका से कहता है, तुम्हें पता है कि तुम वहां पर नहीं जा सकते हो। तभी वहां पर सेका के फादर आ जाते हैं और ग्लाय से कहते हैं कि मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारा मैजिक देखने वाला हूँ तो मेरे साथ चलो। तो ग्लाय उनकी बात मान लेता है और उनके पीछे जाने लगता है। तो सेका अपने फादर को रोकता है और कहता है, क्या मैं भी आ सकता हूँ? तो वो मान जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उनके सामने कुछ स्टोन्स रखे होते हैं जिन्हें उन्हें अपने मैजिक से तोड़ना होता है। तो सबसे पहले रफ्ट अपने विंड मैजिक से एक स्टोन को तोड़ देता है। फिर उसके बाद ग्लाय की बारी आती है तो ग्लाय अपने मैजिक से फायरबॉल बनाता है और उस स्टोन को तोड़ देता है। तो उनके फादर उन दोनों की तारीफ करते हैं। तो ग्लाय सेका
से आके कहता है कि फादर देख ही रहे, एक बार तुम ट्राई क्यों नहीं करते। तो शेखा कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो शेखा अपने मन में कहता है मैंने कसम खाई है कि मैं पावर के पीछे नहीं भागूंगा, और हाँ अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं यहाँ पर अपनी पावर रिवील करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सच ये भी है कि एक स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोर को दबाता है। फिर शेखा उसके बाद एक मंत्र पढ़ता है और ब्लू फायर वॉल बनाता है जो कुछ स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये चीज देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और ग्लाय कहता है एक ब्लू फायर वॉल और वो भी बिना इनकैंटेशन के, मतलब यार बिना किसी मंत्र के। तो उनके फादर बताते हैं ऐसे बहुत से केसेस हैं जो विदाउट मैजिक के बॉर्न होते हैं लेकिन फिर भी वो मैजिक यूज कर पाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनका मैजिक उनके नेचर के हिसाब से कलर चेंज करता है। तो शेखा अपने फादर से कहता है मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ। तो उनके फादर इसके लिए मना करते हैं और कहते हैं ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जो विदाउट मैजिक के पैदा हुआ और उसने बड़ी सक्सेस को हासिल किया, तो तुम्हारे मैजिक सीखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इस साल तुम्हारे लिए ट्यूटर हायर करने की सोच रहा हूँ तो तुम अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो शेखा मान जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं शेखा अपने ट्यूटर से पढ़ रहा होता है और उसके भाई मैजिक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और शेखा अपने टैलिस्मैन से उन पर नजर रख रहा होता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद शेखा एक किताब को पढ़ के मैजिक को ट्राई कर रहा होता है और उसके फादर डोर के पीछे से उसे झांक कर देख रहे होते हैं, और उसके बाद बहुत टाइम बीत जाता है और शेखा अब 11 साल का हो चुका है। और शेखा में बताता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत से पावरफुल आयाकाश को डिफीट करके सील किया है, और सील मतलब उन्हें दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया है। फिर शेखा कहता है शायद अब मैं एक डोर तैयार कर सकता हूँ। ये कहने के बाद शेखा एक टैलिस्मैन को यूज करता है और एक मंत्र पढ़ता है और वहाँ पर एक डोर को बना देता है, और वो डोर खुलता है तो उसमें से एक लड़की बाहर आती है जो कि शेखा से सीधे आके गले लग जाती है, और वो लड़की कहने लगती है हारियोसी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे फिर से मिल पाई। तो शेखा बताता है ये मेरी लास्ट लाइफ में एक ब्यूटीफुल वूमन थी। तो शेखा उस लड़की से कहता है तुम यूकी हो ना, तो वो लड़की कहते है हाँ हारियोसी ये मैं हूँ यूकी। तो शेखा यूकी से कहता है लेकिन तुम तो यंगर दिख रही हो। तो यूकी बताती है शायद ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के कारण है या फिर ये इस वर्ल्ड के प्रभाव से है। तो शेखा यूकी से कहता है मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें समान कर पाया और तुम्हें फिर से देख के मुझे अच्छा लगा। तो यूकी शेखा से कहती अब जबकि मैं यहाँ हूँ तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे, तो तुम्हारी मेरे लिए क्या रिक्वेस्ट है। तो शेखा कहता है कुछ भी नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई यहाँ पर देख ले। तो यूकी एक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती और शेखा के बालों में घुस जाती है, और यूकी कहती है मैं वहां रह के तंग आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पर रहूंगी। तो शेखा मान जाता है और शेखा कहता है यहाँ पर मैं शेखा हूँ ना कि हारियोसी। तो यूकी कहती है मैं समझ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं ईफा से ग्लाय के कपड़ों पर पानी गिर जाता है, तो ईफा ग्लाय से सॉरी कहती है। तो ग्लाय ईफा से कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन चीजों से दूर हो सकती हो क्योंकि फादर तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर शक्ति ना दिखाऊं तो रात में मेरे रूम में आ जाना, और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते हैं। तभी वहां पर शेखा आ जाता है और कहता है मुझे ईफा से काम है। तो ग्लाय शेखा को एक पंच मारता है लेकिन शेखा उसके पंच को पकड़ लेता है। तो ग्लाय शेखा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के वहां से चला जाता है। उसके बाद ईफा शेखा को थैंक्स कहती है। तो शेखा कहता है चिंता मत करो अब तुम्हें उसके रूम में नहीं जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं ईफा और शेखा बाहर आ जाते हैं, तो वहां पर एक छोटा आयाकाशी जख्मी हालत में डला होता है। तो ईफा शेखा से कहती है क्या तुम इसे हील कर सकते हो। तो शेखा कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे देखता है तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम अपना मुंह उस तरफ कर लो। तो ईफा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। फिर शेखा उस आयाकाशी का एक बाल उखाड़ता है और अपने टैलिस्मैन के ऊपर रखता है, और शेखा एक मंत्र पढ़ता है तो वो आयाकाशी ठीक हो जाता है और वो आयाकाशी वहां से चला जाता है। तो ईफा शेखा से कहती है तुम हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकते हो, और उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है लेकिन तुम तो अमेजिंग हो शेखा। तो शेखा ईफा से कहता है तुम भी स्पेशल हो, तुम वो देख सकती हो जो अदर नहीं देख सकते। तो ईफा शर्माते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो शेखा ईफा से कहता है मैंने कई बार तुम्हारी आंखों को एनिमल स्पिरिट का पीछा करते देखा है। तो ईफा शेखा से कहती क्या तुम भी उन्हें देख सकते हो। तो शेखा कहता है हाँ लेकिन तुम मुझसे ज्यादा देख सकती हो। तो ईफा शेखा से कहती तुम सच में अमेजिंग हो, तुमने मेरा सीक्रेट पता लगा लिया। और ईफा बता दी उसकी मॉम ने उससे मरने से पहले कहा था कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, और ईफा वो एलिमेंट शेखा को बताती है। और ईफा कहती है कि इन्हीं के कारण मैं तुम्हारी जैकेट को ढूंढ पाई थी, और ये मैजिक के आसपास इकट्ठा होते हैं लेकिन ये तुम्हारे बारे में थोड़ा स्पेशल है, ये तुम्हारी चीजों के आसपास इकट्ठा होते हैं लेकिन ये तुम्हारे आसपास इकट्ठा नहीं हो रहा, जैसे कि ये तुम्हें अवॉइड कर रहे हो। तो शेखा
देखा ईफा से कहता है क्या तुम इन एलिमेंटल से जो कहती वो ये करते हैं। तो ईफा कहते मैंने इन्हें एक बार यूज किया था लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते हैं। तो शेखा अपने मन में कहता है मेरी लास्ट लाइफ में एक बेगित सुने फॉक्स थी जो हेडोटमा एस्पर्ट्स को कमांड दे सकती थी और मैंने सोचा था कि एक कास्टर भी यही सेम काम कर सकता है और मैंने रिसर्च करने में बहुत समय लगा लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये इतनी जल्दी मिल जाएगी। फिर शेखा ईफा से कहता है क्या तुम्हारा मैजिक यूज करने में कोई इंटरेस्ट है। तो ईफा कहती है हाँ लेकिन मेरे पास मैजिक यूज करने के लिए पर्याप्त मैजिकल पावर नहीं है। तो शेखा कहता है नहीं तुम्हें मैजिकल पावर की जरूरत नहीं है। और शेखा एक टैलिस्मैन का यूज करता है और हेडोटमा को समन कर देता है। उसके बाद शेखा ईफा से कहता है कि चिंता मत करो ये हार्मलेस है और तुम मुझे इसे डिसअपीयर करके बताओ। तो ईफा कहती है ठीक है मैं ट्राई करूंगी। फिर ईफा 2 से 3 बार डिसअपीयर कहती है लेकिन वो हेडोटमा डिसअपीयर नहीं होती। तो ईफा चिल्ला के डिसअपीयर कहती है और वो हेडोटमा डिसअपीयर हो जाती है। तो शेखा अपने मन में कहता है वह काफी स्ट्रांग नहीं है लेकिन वह एक एलाई बनाने के लायक है। तो शेखा ईफा से कहता है अब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद शेखा ईफा को ट्रेनिंग देने लगता है चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो और ट्रेनिंग देते देते बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। फिर हम देखते हैं शेखा का आज बर्थडे है लेकिन उसे अपने भाइयों की तरह कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं मिलता है और आज उसके फादर भी घर पर नहीं है और अब वो 12 साल का हो चुका है। और शेखा बताता है ये चीज उसके साथ हर साल होती है लेकिन उससे शेखा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी गलाया की शेखा से कहता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त मैजिकल पावर तो है नहीं तो तुम मैजिक कैसे सीखोगे, इसीलिए हम तुम्हें ट्रेन करने में हेल्प करेंगे। तो रफ्ट आके गलाया से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रफ्ट शेखा से कहता है हेड सर्जेंट हमें सॉर्ड से लड़ना सिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम तुम्हें सिखा सकते हैं। तभी वहां पर एक मेड आकर बताती है कि सिटी के पास एक बड़ा मॉन्स्टर अपीयर्ड हुआ है और वो इसी तरफ आ रहा है। तो ग्लाय और रफ्ट खिड़की खोल के देखते हैं तो उनको पास में ही मॉन्स्टर दिख जाता है। तो ग्लाय वहां से भाग जाता है और छुप जाता है। तो रफ्ट उस मेड से कहता है कि सारी विंडोज बंद कर दो और सब लोग पैलेस के अंदर हो जाओ और शेखा तुम मेरे साथ आओ, लेकिन शेखा वहां से पहले ही जा चुका था। फिर हम देखते हैं बुलेजार्ड ईफा के पास में आ जाती है और शेखा भी पहले से बाहर आ जाता है और बुलेजार्ड ईफा पर अटैक करने वाली होती है। तो यहाँ पर शेखा अपने टैलिस्मैन को यूज करने वाला होता है लेकिन तभी ईफा अपनी फायर का यूज करके उस लेजार्ड को दूर कर देती है। तो शेखा कहता है क्या हेडोटमा ने उसे प्रोटेक्ट किया? नहीं, ये हेडोटमा की अपनी इच्छा नहीं है, इसका मतलब ईफा ने ये खुद से किया है और बहुत बढ़िया ईफा। उसके बाद शेखा उस लेजार्ड को अपने पीछे ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लेजार्ड शेखा को खाने वाली होती है और ये चीज सभी लोग देख रहे होते हैं। तो शेखा उस लेजार्ड पर पॉइजन ओनी फ्लेम अटैक यूज करता है और उस लेजार्ड को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये देख के सभी लोग शेखा की तारीफ करने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं शेखा के लिए। तो शेखा कहता है मैंने कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में चालाक हो जाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक लिए बाय बाय।